हेलो दोस्तों, मैं सुधीर सर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए वो रहेगी हमारी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कमेंट में, बहुत ज़्यादा कमेंटें आ रही थी कि सर ईडब्ल्यूएस के बारे में बताइए, सर ये कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उसकी बात करेंगे हम आज इस अपने वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें ये जो आरक्षण दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ओबीसी एससी और एसटी को, जनरल एसटी वालों को जो आरक्षण मिलता है, उसी तरह से जनरल वालों को एक आरक्षण दिया गया है जो कि कहलाता है ईडब्ल्यूएस। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जो लोग आते हैं उनके लिए है, और वो लोग होने चाहिए कैसे, सवर्ण। तो सवर्ण लोगों को जो आरक्षण दिया गया है और वो कोटा दिया गया है 10% का, और ये भारत सरकार द्वारा दिया गया है, ठीक है। और जो ये दिया गया है तो इसमें हम बात क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सर्टिफिकेट किन लोगों का बन सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनेगा और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। तो दोस्तों, सब कुछ की बात करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके सामने तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों, आ जाइए बात कर लेते हैं हम पहले। तो ये जो हमारा सर्टिफिकेट आया था ये जो है 7 जनवरी 2019 को आया हुआ था, ठीक है। और इसमें कैबिनेट में जो स्वीकृति हुआ था, पास हुआ था, वो 7 जनवरी को हुआ था। उसके बाद 12 जनवरी को हमारे प्रेसिडेंट महोदय राष्ट्रपति जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने इसको 12 जनवरी को स्वीकृति दे दी थी अपनी। तो ये तब से लागू हो गया था सेंटर में, लेकिन ये अभी कुछ राज्यों में लागू नहीं भी हुआ है और कुछ में हो गया है, ठीक है। तो ये बनेगा वहीं जहाँ राज्यों ने लागू कर दिया, जैसे सबसे पहले गुजरात में हुआ था, यूपी में भी कर दिया गया है, एमपी में भी कर दिया गया है। तो इस तरह से कई एक राज्य हैं जिनमें कर दिया गया है लागू। अब बात कर लेते हैं कि जो बनेगा ये सर्टिफिकेट वो कैसे बनेगा और कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो है कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो आप सवर्ण होने चाहिए, ठीक है। अगर आप सवर्ण हैं उसके बाद आपके जो परिवार की आय वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। कौन लोग बना सकते हैं, जिनके परिवार की जो आय है वार्षिक वो 8 लाख से कम हो, सवर्ण हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो बनवा रहे हैं जिसके नाम, तो उसके पिताजी अगर कमा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी इनकम भी इसमें शामिल होगी। 8 लाख से ज्यादा अगर हो गई तो फिर वो नहीं बनेगा। उसके बाद अगर जिसका नाम बन रहा है परिवार का मुखिया, उसके बच्चे अगर वो 18 साल से कम के हैं, ठीक है, 18 साल से कम के हैं और वो कमा रहे हैं, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो आमदनी है उसमें वो ऐड हो जाएगा। अगर 18 से ज्यादा फिर नहीं हुआ। उस चीज के साथ ही ऐसे ही भाई या बहन भी है उनकी कोई, और वो भी 18 से कम का है और वो कमा रहा है, तो वो भी उसकी आय में ऐड होगा। मींस ये आय ऐड करी जाएगी, उसके बाद आपका देखा जाएगा कि आय कितनी हो रही है। उसके बाद अगर आप पति हैं या पत्नी, एक तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, अगर मेल हैं तो आपकी पत्नी की जो आय होगी वो भी ऐड होगी, अगर फीमेल है तो आपके पति की जो आय होगी वो भी ऐड होगी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसमें कि जो संपत्ति है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपके पास जो जमीन है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम, 5 एकड़ हो या उससे कम, ऐसे ही 8 लाख हो या उससे कम। और आपका जो घर बना हुआ है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम का बना हो, मतलब 1000 स्क्वायर फीट का या उससे कम का अगर आपका घर बना है तो आप एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया पास कर रहे हैं, मतलब आप योग्य हैं जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने की, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये जो सर्टिफिकेट बनवाना है तो हमें इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स बहुत अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अनिवार्य हैं, जरूरी हैं, उसके बाद जो हेल्प के लिए होते हैं ना ऑप्शनल, वो भी बात कर लेंगे। एक मैंडेटरी होता है, एक ऑप्शनल होता है। तो मैंडेटरी की बात कर लें पहले, तो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सबसे पहला होगा आधार कार्ड, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो आय प्रमाण पत्र, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, क्योंकि ये इनकम जब तक नहीं पता चलेगी आपकी 8 लाख से कम है या उतनी है तो आप तभी क्वालिफाई करवाएंगे बनाने के लिए, योग्य होंगे। तो दूसरा आय प्रमाण पत्र भी चाहिए। तीसरा आपका पैन कार्ड बहुत जरूरी है, ये मैंडेटरी बता रहा हूँ मैं, आपका आधार कार्ड, आपका प्रमाण पत्र जो आय है, आय प्रमाण पत्र और पैन कार्ड। इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे मैंडेटरी अनिवार्य वाले। अब बात करेंगे हम उसके अलावा, तो उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें अगला आता है कि वो मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जैसे बीपीएल है, आप इसको लेके जाएंगे साथ में, अनिवार्य नहीं है लेकिन अगर आपके पास है तो उसको लेके जाएंगे। अगला आता है बैंक स्टेटमेंट, मतलब लेन देन पैसे की बात।
तो जो बैंक स्टेटमेंट है मतलब पैसा आपका बैंक में कितना है वगैरह का, तो उसके लिए आपको मिनिमम 3 मंथ का होना चाहिए, मतलब 3 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 3 मंथ का होना चाहिए आपका स्टेटमेंट पुराना, इससे पुराना होगा तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें जो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स बनेंगे इसमें आपको दिखा सकते हैं कि आरक्षण कैसे होता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो दोस्तों देखिए ये पीडीएफ है, ये ईवीएस सर्टिफिकेट के लिए पूरी तरह से जो भी जरूरत पड़ेगी जिन जिन चीजों की उसके लिए हमने ये तैयार की हुई है, मतलब ये आई हुई है। तो हम ये इसकी लिंक जो है आपको पीडीएफ की लिंक पूरी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कितना कैरेक्टरी चाहिए, जैसे ये 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड एंड एवब, मतलब ये जो फॉर्म आएगा उसमें आपको मैंडेटरी भरना पड़ेगा, और इसका फॉर्म के आप कहाँ से निकलवाएंगे तो ये भी हम पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे आपको। देखिए यहाँ पर नीचे जो पीडीएफ है ये देखिए दिखा देते हैं आपको, पीडीएफ ये है। ठीक है, ये किसके नाम बनेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इशूज बाई सर्टिफिकेट। देखो गवर्नमेंट ऑफ, आप यूपी के हैं तो यूपी, एमपी के तो एमपी, मतलब जिस स्टेट के, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार का बनना है तो ऑफ इंडिया लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर ये मिलेगा आपको, डेट वगैरह आपको डाल देनी है, यहाँ पर आपका नाम लिखना है जिसके नाम बनना है, उसके फादर का नाम, ठीक है, परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस उसका कहाँ रहता है विलेज या गाँव में, पोस्ट ऑफिस उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड वगैरह क्या है, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर अपना लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 रुपए में कितने लाख का होगा वो फाइनेंशियल ईयर का आपको देना पड़ेगा इसमें। इसके बाद ये देखिए आया हुआ है 5 लाख है उससे ज्यादा, 5 एकड़ है उससे ज्यादा है, 1000 स्क्वायर फीट में है उससे ज्यादा है, 100 स्क्वायर फीट वगैरह का इसमें देख रखा है, नोटिफाई मल्टीपलिटीज में अलग अलग दे रखा है। ठीक है, और ये दूसरा है वो किसकी कुमारी किसके नाम बन रहा है, बिलोंग्स टू कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिग्नेचर सील वगैरह यहाँ से उनकी होगी, आपका नहीं है कुछ भी, और यहाँ पर आपको अपना एक रिसेंट फोटो लगाना है जिसके आप नाम बनवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा इसमें मैं क्या क्या होता है आपको फॉर्म यहाँ पर ये। और देखिए पहले क्या आता था, एससी एसटी और ओबीसी 3 आते थे यहाँ पर, अब देखिए अब जो आरक्षण का टेबल है उसमें 4 आने लगे हैं, ईडब्ल्यूएस भी आने लगा है, और इसको बताया था 10% मिल रहे हैं, तो ये आपको कैटेगरी भी दिए हुए हैं कहाँ पे कितना कैसे मिल रहे हैं, तो आपको ये भी आपको एक ही पीडीएफ है इसमें प्रोवाइड हो जाएगा, आप इजीली देख सकेंगे इस पूरी डिटेल इसमें, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसको बनवाएंगे कैसे और बनवाए बनाना कहाँ से पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको बनाने के लिए आपको या तो तहसील जाना पड़ेगा या फिर कह सकते हैं आप अपने कचहरी चले जाइएगा, इसी फॉर्म को लेके जाइएगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हमने बता दिए उनको लेके जाइएगा, आपका बन जाएगा। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये शुरुआत हुई है इसलिए बनवाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई एजेंट मिल जाता है इसका तो एजेंट के थ्रू अगर आप बनवाएंगे तो आपके लिए बनवाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि आपको एजेंट मिल जाए तो एजेंट से बनवा लीजिएगा, अगर एजेंट नहीं मिलता है तो आप कचहरी या तहसील से बनवा लीजिएगा। अभी इसका ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है तो ऑनलाइन इसकी कोई जानकारी नहीं है। दूसरी चीज, आप ये जो सर्टिफिकेट है वो प्रत्येक के लिए नहीं है, किसके लिए, पहली बात तो ये सवर्णों के लिए, और दूसरी चीज ये जिस स्टेट में, अगर स्टेट की जॉब वगैरह निकल रहा है या कोई और दूसरे में आप आरक्षण चाहिए आपको, तो वो देखना पड़ेगा आपको वहां लागू हुआ है ईडब्ल्यूएस या नहीं हुआ है, क्योंकि हर स्टेट में अभी लागू नहीं हुआ है, इसलिए आपको पहले ये तो देखना पड़ेगा आपने आपके स्टेट में लागू हुआ है या नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन ईवीएस सर्टिफिकेट के बारे में, और दोस्तों आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो दोस्तों इन्हीं लफ्जों के साथ अब लेते हैं हम आपसे विदा, अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।